भीड़ हो गया आज तो वो इस तरीके से होती है इसकी बैक पे पूरा लेमिनेट तो लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है इसकी। ये ऊपर जो दिख रही है सारी लैपटॉप वाली दुकानें हैं। ज़्यादा भीड़ हो गया आज तो। तो हाँ जी, क्या हाल चाल है लोगों का? आज हम आए हैं नेहरू प्लेस कुछ कवर्स लेने हैं फ़ोन के और फ़ोन की एक्सेसरीज लेने के लिए। तो देखते हैं इस मार्केट में कैसा रहता है आज। प्लस क्या है कि इस मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, मोस्टली हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी मार्केट है दिल्ली की। और कुछ ऐसे दिखती है और ये है कुछ हाल इसका। आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। और चलिए जाके देखते हैं कैसे कैसे कवर्स है मार्केट के अंदर और कितने का है, वो सब दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। चलिए तो जी, हमारे को मिल गई दुकान जहाँ पे लग रहा है हमारे इस पे पूरे इस पे कवर। ये भैया लगा रहे हैं, पहले भैया एक का लगा रहे हैं, ये भी 15 है, ये सत्य का है 15, जो कि कल ही लेकर आए हैं। तो आज पहुँच गए ऐसे कवर्स और ये सब लेमिनेशन वगैरह करवाने के लिए, डैम्पर लगवाने के लिए। जिसको भी लगवाना है इस मार्केट में, यहाँ इन भैया के पास आ सकते हो। ये भैया यहाँ पे हैं, इनका जी ये बालाजी 97 हाउस के बिल्कुल नीचे ही है साथ में। तो जिसको भी लगवाना हो इन भैया के पास आ सकते हो, अच्छी सर्विस है। तो वो इस तरीके से होती है इसकी बैक पे पूरा लेमिनेट। इसे क्या बोलते हो भैया? मेम्ब्रेन बोलते हो? पूरी कंप्लीट होती है ना, ये एस्टुएज होती है पूरी, जिसमें आपके फ़ोन पे साइड बॉडी भी नहीं घिसने का। ये होता है तो लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है इसकी। रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है बाद में। हाँ, इस मेरे पास जो भी 12 मिनी था इसका जो दिया उसमें रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी आई नहीं, बट स्टिल अगर हाँ एक दो रेंट थे उसके ऊपर, इसमें डेंट नहीं होंगे तो रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है। तो मैं भी अपनी वीडियो जो बना रहा हूँ 14 प्रो से बना रहा हूँ और उसमें भी मतलब यही मैंने करवा रखा है। तो ये हो गया पूरा फ़ोन अच्छे से लेमिनेट, पूरा मैट फिनिश में है। पास आपको मिल जाएगी ये लैपटॉप की लैमिनेट वगैरह सब कुछ, फ़ोन के ऊपर भी हो जाती है बेसिकली, इसका पीस कट कट करके लगा सकते हैं। और ये है कुछ भैया का एरिया जहाँ भैया लगाते हैं, लैपटॉप वगैरह भी स्कैन करा देते हैं ना पूरी कंप्लीट। तो भी हो गया है हमारे पास सारा काम डन। कवर दिखा दो कुछ कैसा दिख रहा है। ये है कवर, ठीक है। तो ये है भैया, इन्होंने लगाया है कवर। भैया बता दो आपकी दुकान का एड्रेस बता दो। बजाज हाउस 97 जो कि पीछे है। भैया का नाम गौरव नाम है भैया का। किसी को भी अपना कवर वगैरह लगवाना तो यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ट्रस्टवर्दी है। मैं तीन चार बार आ चुका हूँ यहाँ पे, सभी दोस्तों को मैंने यहीं से लगवाया और अपना भी दो बार मैं यहीं से लगवा के गया हूँ और अभी श्रुति के फ़ोन का भी यहीं से लगवाया है। तो चलिए, थैंक यू भैया। तो ये भाई इस मार्केट का सेंटर पॉइंट। ये ऊपर जो दिख रही है सारी लैपटॉप वाली दुकानें हैं जहाँ पे लैपटॉप और ये कंप्यूटर का सारा सामान मिलता है। आप किसी के पास भी आके यहाँ पे अपना सामान ले सकते हो। देखा जाए तो सबसे चीप मार्केट है ये, देखा जाए तो काफ़ी कुछ आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल सकता है। और ये है कुछ कवर वाली शॉप्स नीचे जो कवर्स आपको ऑनलाइन 1100 1200। हाँ मतलब जो हज़ार पंद्रह सौ के जो कवर होते हैं आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। अब श्रुति से देख रही है कि कोई दूसरा कवर भी मिल जाए इसको। तो पिंक फोन है तो पिंक कवर ही चाहिए। तो भी चलते से लग गई है भूख हमारे को और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और ये सामने है कि ये सोना स्वीट करके जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे नेहरू प्लेस में, बट हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस में अपना न्यू पंजाबी खाना खाने। न्यू पंजाबी खाना एक मतलब नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है एक, जहाँ पे राइस और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जाके दिखाता हूँ कैसा है वहाँ का फूड और करते हैं टेस्ट। तो भाई इस मार्केट में आप जब भी आओ कुछ सामान लेने के लिए तो आपको बार्गेनिंग जरूर करनी है।
क्योंकि जो प्राइसेस रहते हैं वो बेसिकली थोड़े कम रहते हैं, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट बनना पड़ेगा, देन आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब फ़ोन हो, लैपटॉप हो, एनीथिंग, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। बट हाँ, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके सामने आप ना ही करो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनका ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है उसमें, तो इतना महंगा भी नहीं बेचते हैं वो लोग, सस्ता ही होता है। जैसे शॉप्स में जा रहे हो लैपटॉप लेने जा रहे हो, लैपटॉप पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है यहाँ पे, और सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हो तो भी आपको वहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये है जो एरिया जो मैं बोल रहा था, न्यू पंजाबी खाना, जो कि बहुत अच्छा खाना देते हैं यहाँ पे। ये है वो शॉप, ये बेसिकली पहले उधर कॉर्नर पे थी साइड, यहाँ पे कुछ अभी मसाला बाइट करके खुला हुआ है, बट उस जगह से अब चेंज हो गई, यहाँ पर न्यू शॉप बन गई यहाँ, तो यहीं पर हम टेस्ट करते हैं खाना। तो देखो भाई भीड़ कितनी है इस जगह पे, श्रुति बहुत भीड़ है, बहुत जगह भी नहीं मिल रही है हमारे को, तो हम यहाँ साइड में आए हैं कुछ खाने के लिए, रुकेगा भी ठंडा गीला साफ करके गया है भैया, तो अभी सूखने का वेट कर रहे हैं। जैसे सूखता है भैया को बोल दिया, भैया आ गया हमारा ऑर्डर लेने के लिए। ठीक है जी, करते हैं ऑर्डर। तो भैया आ गया हमारा खाना, ये है राजमा राइस, और ये है शाही पनीर, मटर पनीर वाला है, मटर पनीर और राइस, और यह है राजमा राइस, जो कि यह है बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में, वेट नहीं हो रहा मुझे, बहुत वगैरह भूख लग रही है। श्रुति को आ गई है कॉल, वो कॉल पे है, तो मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। कवर ढूंढते ढूंढते हो गए इतना परेशान, मेरे को मेरे फ़ोन के लिए कवर चाहिए जो कि मिल नहीं रहा है, देखते हैं कहाँ मिलते हैं, बहुत लंबी मार्केट है, चलते जाएंगे यहाँ मिल सकता है, यहाँ पता कर लो। अभी नेहरू प्लेस का ब्लॉग तो हमने कर दिया एंड वहीं पे, और अब हम आ गए हैं नेहरू प्लेस खत्म करके सीधा दिल्ली हाट, कुछ ऐसा है ये, अभी उतरे हैं बस बाहर मेन रोड से, अंदर आए हैं, तो ये यहाँ की एंट्री।